टीवी के सबसे पॉपुलर रियलिटी शोज में से एक झलक दिखला जाकर 10 सीजन जल्द ही स्टार्ट होने जा रहा है। पूरे 5 साल के ब्रेक के बाद मेकर्स इस सेलिब्रिटी डांस शो को फिर से एक बार वापस लेकर आ गए और खबर है कि सितंबर से शो का टेलीकास्ट स्टार्ट कर दिया जाएगा। आपको बता दें कि शो का पिछला सीजन साल 2017 में आया था। हालांकि शो की वापसी से भी ज्यादा दिलचस्प है इस बार शो में जजेस कौन होंगे। पिछले कुछ दिनों से लगातार ऐसी खबरें आ रही थी कि काजोल ही शो के जज करेंगी, लेकिन अब एक ताजा रिपोर्ट के मुताबिक काजोल नहीं बल्कि धक धक गर्ल माधुरी दीक्षित इस सुपर हिट डांस शो को जज करने वाली हैं। लेकिन क्या माधुरी के शो में आने की वजह से काजोल ने इस बार शो को ठुकरा दिया है, इस बारे में फिलहाल कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं मिल पाई है। आपको बता दें कि साल 2014 तक माधुरी दीक्षित इस शो को जज कर रही थी, लेकिन फिर शाहिद कपूर और जैकलिन फर्नांडिस ने इसकी कुर्सी संभाल ली। हालांकि इस सीजन में शाहिद और जैकलिन नहीं बल्कि फिर एक बार बॉलीवुड ब्यूटी माधुरी दीक्षित इस शो को जज करने वाली है। टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक कुछ ही दिन पहले माधुरी के साथ मेकर्स ने डील फाइनल कर ली है। झलक दिखला जा के साथ माधुरी दीक्षित की डील के बारे में रिपोर्ट में बताया गया है कि उनके लिए तो ये घर में वापसी करने जैसा होगा। उन्होंने कई सीजन्स पर कमाल का काम किया है, इस सीजन में भी वो कमाल ही करने जा रही हैं। काजोल को भी शो पर देखना काफी दिलचस्प होता, लेकिन कुछ वजहों के चलते उन्होंने शो को रिजेक्ट कर दिया है। भला आप शो को देखने के लिए कितने एक्साइटेड हैं हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें।